आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको सर्दियों के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ बनानी सिखाती हूँ, जो गाजर का हलवा। आप सभी को पसंद आता है, सभी को पसंद आता है ये। तो मैंने 1 किलो गाजर ली है, ये मैंने पहले से ही धो ली थी। अब मैं इनको छील लेती हूँ। ये सर्दियों में गरम गरम सभी को अच्छा लगता है। इस तरह से मैं सभी गाजरों को छील लेती हूँ। ये गाजर मैंने छील कर धो ली है। अब मैं इनको आपको कस के दिखाती हूँ। हेलो, ये 1 किलो गाजर है। 1 किलो गाजर के हिसाब से ही मैं आपको सारा बनाना बताऊंगी। जो भी आगे जिस तरह से ही बनाऊंगी, मैं आपको पूरा हिसाब 1 किलो के हिसाब से ही सब कुछ बताऊंगी सामान। ये लोहे का घिया का पहले ही लोग बाग इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेरी उम्र भी अब कह रही है, तो इसलिए मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। आजकल कई तरह के चल रहे हैं, लेकिन मुझे अपना यही पसंद आता है। मैं यही पसंद करती हूँ, इसी से काम करती हूँ मैं, जो भी करती हूँ। आप आराम आराम से गाजर कसिए, जितनी मेहनत कसने में है उतना ही स्वाद आपको खाने में भी आएगा इसका। अब मैंने ये गाजर कस ली है, समय बचाने की वजह से, जिससे आपका समय ख़राब ना होए, तो इसलिए मैंने कसकर दिखा दिया आपको। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या सामान लगेगा। अब 1 पाव ये चीनी है और 1 पाव मावा है। ये मैंने अपने घर में ही बनाया है। 1 किलो दूध का 1 पाव मावा निकल गया है। मैं घर का ही यूज करती हूँ, क्योंकि बाहर के मावे में मिलाव वगैरह आते हैं, चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो हर चीज़ मैं अपने घर की ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने घर पे ही निकाला था। और आपको मैं कभी मावे के बारे में भी बताऊंगी कि मावा कैसे बनाया जाता है। कुछ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं, चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। 1 किलो ये दूध लिया है मैंने, और 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। हलवा बनाने में ये सारी चीज़ें ही यूज होंगी। अब हमने कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन करते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध जो है वो डाल रही हूँ। बिल्कुल मैं साधारण तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये कसी हुई जो गाजर है ये डाल रही हूँ। ये मैं सारी गाजर ही इसके अंदर डाल दूंगी। बस मैं इसे चला कर, जब तक इसमें दूध में उबाल नहीं आता है, तब तक हम इसको चलाएंगे। आप इसको धीरे धीरे चलाते रहे, जिससे ये दूध इसके अंदर गाजर के अंदर रम जाए अच्छी तरह से, ये एडजस्ट हो जाए। इसे आप धीरे धीरे चलाते रहें, यदि आप चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, तो फिर इसमें लगने की स्मेल आती है, इसलिए आप इसको धीरे धीरे चलाते रहें। अब आप देख भी रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। करीबन 10 मिनट से हम इसको चला रहे हैं, अब इसमें उबाल आना चालू हो गया है। आप गैस की गति को धीमी रखिए, जिससे ये अच्छा पक बनेगा। और धीमी आंच में कोई भी चीज़ बनाए तो वो स्वादिष्ट बनती है। दूध गाजर के अंदर पूरी तरह से रम जाए, इसलिए ही हमको इसको
धीरे धीरे चलाना पड़ता है। अब इसे 15 मिनट हो गए हैं चलाते चलाते। अब दूध आप देख रहे हैं इसमें दूध आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा रह रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसका आगे का प्रोसीजर बताएंगे आपको। मैंने ये ड्राई फ्रूट काट लिए हैं क्योंकि मेरे पास इसे चलाते चलाते समय था, तो इसलिए मैंने ये ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसा बना सकते हैं। ये 20 मिनट चलाने के बाद इसका दूध पूरी तरह से सूख गया, आप देख भी रहे होंगे कि सूख गया है, थोड़ा रहता है कोई नहीं पर, लेकिन अब हम इसमें हम जो हमने एक पाव चीनी ली थी मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ, वो मैंने एक पाव चीनी इसमें डाल दी है। अब इसको मैं डालने के बाद मिक्स करती हूँ। अब मैं इसमें धीरे धीरे चीनी को मिक्स कर रही हूँ। हमने जो इसके अंदर चीनी ऐड कर ली है वो चीनी थोड़ा पानी छोड़ती है, तो वो उसने पानी छोड़ दिया है। अब इसको हमें 10-15 मिनट और चलाना होगा। मैं आपको बिल्कुल घर के जैसा स्वाद देना चाहती हूँ कि जैसा घर में आप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। बाज़ार का तो हम लोग सभी खाते रहते हैं, उसमें बुमिलाव भी आता है, वो इतना टेस्टी नहीं लगता जो घर का बिल्कुल साधारण तरीके से बना हुआ, जो अपने घर का साफ़ सफाई का और सब चीज़ें हमें पता होती है कि हम क्या चीज़ इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसलिए घर की बनी हुई चीज़ जो वो अच्छी लगती है। अब आप देखेंगे ये इसमें पूरी तरह से गाढ़ गल चुकी है। 10 मिनट हुए हैं मुझे चीनी डाले हुए, अब आप देख रहे हैं कि चीनी पूरी तरह से मिक्स हो गई है, सूख गई है। दूध हमने पहले ही डाल दिया था, दूध भी सूख गया था पहले ही, अब चीनी भी सूख गई है, अब दोनों ही चीज़ इसके अंदर सूख गई हैं। अब मैं इसके अंदर मावा डालती हूँ, जो मैंने मावा रखा था वो मावा मैं डाल रही हूँ। अब मावे को मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और इसको मिक्स करने के बाद हमें कुछ देर तक इसको भूनना है। अब आप देख रहे हैं इसका कलर भी देख रहे हैं आप, और मैं इसको पूरी तरह से भून दूंगी इस तरह से मिला मिला कर। बहुत से लोग बिना मावे का खाना पसंद करते हैं, बहुत से मावे का खाना पसंद करते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करें वैसा आप खा सकते हैं। मैंने मावे का भी बताया आपको और बिना मावे का भी, बिना मावे का भी इस तरह से ही बनेगा, बस मावा नहीं डालना होगा। पता है मैंने आप दिल्ली वाली आंटी अपना नाम क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि आंटी बुआ को भी बोल देते हैं, मौसी को भी बोल देते हैं, चाची को भी बोल देते हैं, ताई को भी बोलते हैं, सभी रिश्तों में आंटी बोल देते हैं, तो इसलिए मेरा आपसे एक घरेलू रिश्ता बना रहे, इसलिए मैंने अपना नाम दिल्ली वाली आंटी रखा है। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने घर में ही बना के रख रखा था। वैसे मार्केट में भी मिल जाता है लेकिन मैं तो अपने घर में ही बना कर रखती हूँ, वो आप इलायची कूट कर बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरा हलवा पूरी तरह से तैयार है। ये मैंने ड्राई फ्रूट पहले से ही काट के रखे हुए थे, जो मैं इसके अंदर ये काजू डाल रही हूँ, ये किशमिश भी डाल रही हूँ और ये बादाम भी डाल रही हूँ, ये पिस्ते भी डाल रही हूँ। मैं सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल रही हूँ और डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब ये हलवा हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो मैंने एक बाउल में पलट लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ सजावट के लिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जो कि आपको देखने में भी खाने में भी आप अपने घर में बनाएंगे तो बड़े आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से ये हलवा
आपको बनाना बताया है मैंने। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल गर्म गर्म है और इसमें भाप भी निकल रही है। इसे हलवे को बनाने के लिए आपको दो चार बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि पहला तो गाजर आपको लाल होनी चाहिए और साफ़ और लाल होनी चाहिए। धीमी आंच पे आप बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, क्योंकि लगने का चांस होता है। कुछ बड़ा बर्तन लें जिससे कि दूध ना निकले आपका, तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जिससे आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।